फर्जी मास्टर रोल तैयार कर होमगार्डों के वेतन निकासी मामले में गौतम बुद्ध नगर में करोड़ों का घोटाला हुआ। जांच में पता चला कि ड्यूटी लगाने वाले अधिकारी तय संख्या से कम होमगार्डों को तैनात करते थे, लेकिन कागज पर पूरी संख्या दिखाकर वेतन निकाले जाते थे। ये घोटाला कई सालों से चल रहा था। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में भविष्य निधि घोटाले के बाद अब यूपी होमगार्ड के जवानों की फर्जी ड्यूटी दिखाकर वेतन हड़पने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले का है, जहां दो महीने की जांच के बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ। इस घोटाले की जांच के लिए शासन ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन करके 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। ये कमेटी जांच के लिए नोएडा पहुंच गई है। वहीं मामले में डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण की माने तो ये पूरा खेल होमगार्ड विभाग के एक संगठित गिरोह के माध्यम से होता रहा था। देखिए, एक प्लाटून कमांडर होमगार्ड्स का, वो मेरे समक्ष उपस्थित हुआ था और उसने एक एप्लीकेशन दी थी कि ड्यूटी लगाने में, होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाने में कुछ अनियमितताएं बरती जा रही हैं और कुछ उसमें फर्जीवाड़ा है। उस पर जांच मेरे द्वारा आदेशित की गई थी। एसपी सिटी से मेरे द्वारा जांच कराई गई। 2 महीने के मस्टर रोल्स चेक कराए गए थे, मई और जून के। नगर क्षेत्र के 7 थानों के मस्टर रोल्स 2 महीने के चेक कराए गए थे, जिसमें कि पाया गया कि जो होमगार्ड्स का वेतन 2 महीने में ड्रॉ हुआ है, उसमें 50% वेतन फर्जी मस्टर रोल और थाने की मोहर वगैरह लगा के ड्रॉ हुआ है। होमगार्ड की ड्यूटी रोजाना लगाई जाती है, इसके लिए होमगार्ड के अधिकारी मास्टर रोल तैयार करते हैं। घोटाला ऐसा हुआ कि अगर किसी थाने या ऑफिस में 5 होमगार्ड की जरूरत है तो मास्टर रोल पर 5 की जगह 10 या 12 होमगार्ड को ड्यूटी पर दिखाया जाता था। इसके लिए उस थाने और ऑफिस की फर्जी मोहर का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह 5 की जगह 10 या 12 होमगार्ड का मास्टर रोल तैयार किया जाता। इसके एवज में उन होमगार्डों को भी कुछ पैसे मिलते थे जिनका फर्जी मास्टर रोल पर नाम होता था। जांच में पता चला है कि ड्यूटी लगाने वाले अधिकारी तय संख्या से कम होमगार्डों को तैनात करते थे, लेकिन कागज पर पूरी संख्या दिखाकर वेतन निकाल लेते थे। ये घोटाला कई सालों से चल रहा था। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद नोएडा पुलिस जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।